the students, I am Rajesh Dejare sir and you are watching RDF sir YouTube channel. In this video, we will learn second lesson hair play in the first unit relationship in standard 6. This story hair play is originally written by Munshi Premchand. Munshi Premchand is one of the great novelists in Hindi literature, and we will learn the story hair play in this video series. So before we will start learning, if you are new in our channel, please hit subscribe button and press bell icon before starting the video. And now we will start learning hair play. Story begins with a question. Has your best friend ever done something which you thought was wrong? क्या आपके किसी दोस्त ने कुछ ऐसा किया है जो आपको लगा हो कि वो गलत है? उसने जो भी किया हो गलत है. If your any friend has done something which you thought was wrong, then what did you do then? अगर ऐसा हुआ है तो आपने फिर क्या किया? Did you keep quiet? और करेक्ट योर फ्रेंड, क्या आप शांत रहे या आपने अपने दोस्त के द्वारा जो भी गलती हुई है, जो आपको लगता है कि गलत हुआ है, वो आपने करेक्ट किया? ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा. अब ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी में दो दोस्त है. दिस स्टोरी इज अबाउट टू फ्रेंड्स, जुमन शेख एंड अलगू चौधरी. दीज आर द प्रोटैगोनिस्ट इन दिस स्टोरी. वो स्टोरी के मेन हीरो है. और ये क्या करते हैं, वो डिसाइड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट. ये डिसाइड करते हैं कि भी क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, एनमिटी मतलब दुश्मनी, और अ सेंस ऑफ जस्टिस या जो न्याय है, न्याय की समझ. तो वो हम देखेंगे अभी इस स्टोरी में. नाउ आई एम रीडिंग द स्टोरी. इफ यू हैव दिस बुक और स्टोरी, ओपन पेज नंबर 17 इन द बुक पब्लिश बाय कॉर्डोबा पब्लिकेशन. Juman Sheikh and Alu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. जो Juman Sheikh और Alu Chaudhary है, ये इस स्टोरी के, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि ये मेन प्रोटैगोनिस्ट मतलब कि हीरो है, ये दो दोस्त जो है बहुत अच्छे दोस्त है, पक्के दोस्त है, और इनके बीच में इनकी दोस्ती इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है कि दो में से कोई भी अगर अपना गांव छोड़कर कभी बाहर चला गया तो दूसरा जो दोस्त है, वो जो दोस्त गांव गया उसकी फैमिली की देखभाल करता है. ये इतने अच्छे दोस्त है, इतने पक्के दोस्त है, और इनकी दोस्ती पूरे गांव में चर्चित है. इन दोनों दोस्तों को पूरे गांव के लोग सम्मानित करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. Juman and his family were tired of the old relative. Juman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed these insults along with her food for a few months, but patience has its limits. अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़े कि ये दो दो दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी. तो ये दोनों दोस्तों में से जो जुम्मन शेख है, जुम्मन शेख की यहाँ एक ओल्ड आंट रहती है, जो आपको पिक्चर में दिख रही होगी बुक में. तो ये जो ओल्ड आंट है, ये जुम्मन की एक चाची है बोल सकते हैं, और ये बेचारी बूढ़ी है, उम्र दराज है. तो पर ये आंट के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है मतलब कि जमीन जायदाद जो ये वो है. और वो ओल्ड आंट ने ये जो उनके पास प्रॉपर्टी है, ये अपने भतीजे को मतलब कि वो जो जुम्मन शेख है उसे ट्रांसफर कर दिया. ट्रांसफर कर दिया मीन्स उसके नाम बदल दिया, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे मीनिंग, बट उसके नाम पर क्या बोलेंगे, उसको चेंज कर दिया, शिफ्ट उसको वो उसके नाम पर कर दी उसकी प्रॉपर्टी. और किस अंडरस्टैंडिंग के साथ उसके बीच में, उनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या करार हुआ, किस चीज के बदले में उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने भतीजे को दी, वो उनके बीच में ये समझौता हुआ कि
जो ओल्ड आंट की, ओल्ड चाची की जो जमीन है या वो जो प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल जुम्मन शेख करेगा, पर मतलब उसको उसके नाम कर दिया जाएगा, पर उसके बदले जुम्मन शेख को उस चाची की देखभाल करनी होगी जब तक वो जीवित है। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ चाची ने जुम्मन के नाम पर वो अपनी प्रॉपर्टी दे दी, और जैसा कि उन दोनों में एग्रीमेंट हुआ था बिल्कुल उसी तरीके से वो व्यवस्था चली, बढ़िया तरीके से सब कुछ कुछ समय तक चलते रहा, वो अपने चाची की बढ़िया तरीके से देखभाल करता रहा, कुछ सालों तक ये सब चलते रहा, पर बाद में सिचुएशन बदल गई, बाद में पूरी परिस्थिति चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। अब जुम्मन और उसका जो परिवार है वो जो ओल्ड रिलेटिव है, जो बूढ़ी रिश्तेदार है मतलब चाची, उससे परेशान हो गया, और जुम्मन बिकेम एज इंडिपेंडेंट टू हर एज हिज वाइफ। और जुम्मन की जो वाइफ है वो तो पहले से चाची को सही तरीके से देखभाल तो चाची की करती भी नहीं थी, जुम्मन ही करता था, पर अब जुम्मन भी उसके वाइफ के तरह ही उस चाची से अलग थलग होने लगा। उसकी जो एग्रीमेंट हुआ था, जो समझौता हुआ था दोनों में कि वो उसके जीवित रहते तक, जब तक वो चाची जिंदा है तब तक उसकी देखभाल करेगा, अब वो बराबर देखभाल नहीं कर रहा था क्योंकि वो भी परेशान हुआ था उसकी देखभाल करते करते। और उसकी जो वाइफ है वो तो कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि वो तो अभी वो जो ओल्ड लेडी है उसे हर दिन का भोजन खिलाने के लिए भी आना खानी करती थी, हर दिन का भोजन भी वो सही तरीके से खिलाती तक नहीं थी, उसके लिए भी बराबर भोजन तक बराबर देती नहीं थी। और वो जो ओल्ड लेडी है शी स्वेलोड दीज इंसल्ट्स अलोंग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स, बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स। और वो जो ओल्ड लेडी है वो ये जो इंसल्ट है, ये जो उसका अपमान है, असल में वो कोई जो जुम्मन और उसका परिवार है वो कहीं उस पर फेवर नहीं कर रहा था, बल्कि ओल्ड आंट ने जुम्मन के नाम पर अपनी पूरी प्रॉपर्टी करी थी उस समझौते के साथ कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुमको मेरी जिंदगी भर देखभाल करनी पड़ेगी, और उसके बावजूद ये जब उसको सही तरीके से खाना तक उसकी वाइफ नहीं देती थी और जो इंसल्ट की जाती थी, और अब जुम्मन भी जिसके सहारे ये सब चल रहा था अब इंडिपेंडेंट होने लगा, अलग थलग होने लगा, तो अब कुछ महीनों तक तो इसने सहन की, स्वेलोड की, मतलब कि क्या बोलेंगे तरीके से वो पूरी इंसल्ट निकल गई, उसने इंसल्ट सहन कर ली, पर किसी भी चीज को सहन करने में कुछ लिमिटेशंस होती है, मतलब कि मर्यादाएं रहती है, तो अब उसकी जो लिमिटेशन है, उसकी जो सहन शक्ति है वो खत्म हो गई। तो देयर इज अ क्वेश्चन कमिंग ऑन जुम्मन्स बिहेवियर, जो जुम्मन अब जो अचानक उसका बिहेवियर बदल गया है उस पर आपको कमेंट करना है, मतलब उस पर आपको क्या लगता है जुम्मन के बिहेवियर पर, उसके वर्तनुक पर, वो आपको लिखना है। इसके बाद की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।